हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैट एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग इस प्लान पे काम करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ग्रिड तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पे, अगर दिखा दूँ आपको यहाँ पे, तो ये कंप्लीट ग्रिड मैंने बना के रखा है। ये आउटर कट फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन बता दो, इफ़ एनफ पीपल आर इंटरेस्टेड हम लोग इसको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे ग्रिड बनाया है ए बी सी डी एंड यहाँ से 1 to 7 के आसपास का जो ग्रिड है, इसको हम लोग रिक्रिएट करेंगे हमारे ई टैब्स के अंदर। बेसिकली G+4 बिल्डिंग रहेगा ये, ठीक है, द फोर्थ फ्लोर बींग दी ओवरहेड टैंक वगैरह। तो आते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा क्लोज करता हूँ मैं यहाँ से, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रेफरेंस यूज करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अवर वर्क इन द ईटैब्स सॉफ्टवेयर, ओके। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, आपके ऊपर जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आपको करना है न्यू मॉडल। जैसे आप न्यू मॉडल करोगे, आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, आपको बस करना है यहाँ से यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। इतना करने के बाद आप यहाँ का क्या सिलेक्ट करोगे, मेटर कैसा सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, बिकॉज हम लोग इंडियन साइड्स पे काम करने वाले हैं। स्टील सेशन डेटाबेस के लिए आप आओगे यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करोगे, स्टील डिजाइन कोड पे आओगे आप यहाँ पे IS 800 सेलेक्ट करोगे, और कॉन्क्रीट डिजाइन पे आओगे और सेलेक्ट करोगे IS 456, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको आना बस यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद पे आना है, आपको मेट्रिक कैसा सेलेक्ट करना है यहाँ से, इंडियन कोड बुक सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से, उसके बाद स्टील डिजाइन कोड में आओगे IS 800 सेलेक्ट करोगे एंड कॉन्क्रीट डिजाइन कोड में आओगे IS 456 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये बेसिक होता है, हर प्रोजेक्ट में आपको करना ही पड़ता है, ऑलराइट। इतना करने के बाद आपको कर दोगे यहाँ से ओके। जैसे ही ओके करोगे, हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं। पहला आता है ग्रिड ऑप्शन, इसमें आप यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग कर सकते हो। दूसरा आता है कस्टम ग्रिड ऑप्शन, आप यहाँ पे कस्टम ग्रिड बना सकते हो। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आपको जो एक्स एंड वाई डायरेक्शन जितने भी ग्रिड्स हैं, जैसे यहाँ देखो आपके पास जितने भी ग्रिड्स हैं, एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में जितने भी ग्रिड्स हैं आपके पास, अगर वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं तब यू कैन गो फॉर यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं है, 8 feet 4 inches है, फिर 1 feet है, फिर 10 feet 4 inches है, तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं है हमारे पास, तो हम लोग चलते हैं कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिफॉल्ट बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इमीडिएटली इसको आप इंपोर्ट करवा सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, बट वी वोंट गो देयर नाउ बिकॉज हमारे पास ग्रिड ऑलरेडी अवेलेबल है एंड इसी ग्रिड पे हम लोग को आज काम करना है। तो चलते हैं कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के पास और क्लिक करते हैं एडिट ग्रिड डेटा के पास, ठीक है। बस स्टेप्स फॉलो करना है, अपने आप आपको मॉडल्स दे जा रहा है, टेम्पलेट्स दे जा रहा है, आपको बस फॉलो करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी सी डी है यहाँ पे, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है ए बी सी डी, एंड इसके बाद यहाँ से 1 to 7 का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, पहले देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट्स है और स्पेसिंग है, हम लोग को जाना है स्पेसिंग के पास, ओके। बेसिक डिफरेंस बता दूं मैं, ऑर्डिनेट्स में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका 0.0.0 हो गया, ठीक है, तो जितना भी वैल्यू आएगा आपको वो आपको इसके ऑर्डिनेट्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 feet 4 inches है, इफ आई टेक दिस एज 0.0.0, तो 8 feet 4 inches पे हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जाना पड़ेगा, 9 feet 4 inches देना टू गेट दिस पॉइंट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 19.4 feet 4 inches देना पड़ेगा हम लोग को टू गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, 8 inches, सॉरी, ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है कि आपका जो भी वैल्यू आएगा वो इस पॉइंट से आपको वैल्यू मिलेगा वो, ठीक है, ऑर्डिनेट्स के अंदर, ऑलराइट। लेकिन स्पेसिंग में क्या होता है, स्पेसिंग में आपको बस इसके और इसके बीच की स्पेसिंग देनी पड़ती है। तो स्पेसिंग में क्या होता है कि एरर का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल आप 15-20 आपके पास ग्रेड्स हैं, आपने 14th या 13th ग्रेड पे कुछ मिस्टेक कर दी तो कैन ईजिली रेक्टिफाइड। लेकिन अगर आप ऑर्डिनेट से जा रहे हो और अपने फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में ही कुछ मिस्टेक कर दी हो तो एज इट इज क्यूमुलेटिव आपके सारे ग्रेड्स में एरर हो जाएगा, आपको फिर से बढ़ के सारे वापस से ग्रेड्स बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि एड ऑन होता रहता है, अगर ये पॉइंट चाहिए 8 feet 4 inches होगा, अगर ये पॉइंट चाहिए 9 feet 4 inches देना पड़ेगा वैल्यू, फिर उसके बाद ये पॉइंट चाहिए तो कितना हो जाएगा 19 feet 8 inches के आपको आपको वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू कीप एडिंग इट अप, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एरर मार्जिन होता है ऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं, हम जाते हैं स्पेसिंग के पास। तो स्पेसिंग में जैसे आओगे, ए टू बी का स्पेसिंग 6 है, बी टू सी का स्पेसिंग 6 है, एंड सी टू डी का स्पेसिंग कितना है, 6 है। लेकिन हमारे पास कितना स्पेसिंग है, ए टू बी का स्पेसिंग है 8 feet 4 inches के आसपास। सो ए टू बी का स्पेसिंग कितना होगा, वो होगा 8 feet 4 inches के आसपास। ये ऑटोमेटिकली इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेगा, देखो यहाँ पे मीटर्स है तो आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेगा वो, ठीक है। फिर बी टू सी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे खोल के देखो बी टू सी का डिस्टेंस है 1 feet, ठीक है, बी टू सी का डिस्टेंस कितना है, 1 feet का डिस्टेंस है, तो बी टू सी का डिस्टेंस कितना होगा, 1 feet, एंटर करो। उसके बाद सी टू डी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आओ, सी टू डी का डिस्टेंस है 10 feet 4 inches का डिस्टेंस है यहाँ पे, तो सी टू डी का डिस्टेंस है 10 feet 4 inches, ठीक है। अगर इसको छोटा करना है, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसको तो आप मिनिमाइज करके यहाँ पे ला सकते हो डिलीट करके, ठीक है। इसको भी सेम आई थिंक 3 decimal points आर मोर देन सफिशियंट टू हैव। तो ये ऊपर वाला तो हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो हमको 1 ऊपर से चाहिए लेकिन 1 नीचे से आ रहा है। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ पे अपना जितना भी ग्रिड से आप उसको बना लो, बनाने के बाद यहाँ से आप उसको वापस रीनंबर कर दो,
कुछ इस तरीके से। और सेवन, ठीक है, इसको आप रीनंबर कर दो यहाँ से। करने के बाद देखो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना, एक टिप बता रहा हूँ आपको कि नीचे का जो होता है ये जीरो जीरो होना चाहिए। आप जब स्पेसिंग में काम कर रहे हो ये पॉइंट और ये पॉइंट जीरो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नीचे से हम लोग स्पेसिंग देंगे अपना। करंटली हमारा एक कोर्स है GitHub सेफ एंड RCDC, जो भी मैंने आपको सिखाया अभी वो G+2 G+3 है। अगर आपको एडवांस सीखनी है जो इन कमेंट परचेज दिस कोर्स, 50% ऑफ चल रहा है करंटली। दो दो कोर्स से वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज के अंदर अंदर, ठीक है। 1000 रुपीज में आपको तीन कोर्सेस मिलेंगे, ETabs नहीं, ETabs के साथ सेफ भी मिलेगा और RCDC भी मिलेगा। हैप्पी हो रही ऑफर चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। कंटेंट में जाकर देखोगे तो करंटली देखो 30 वीडियोस हैं ETabs के अंदर, 15 वीडियोस हैं सेफ के अंदर। सेफ के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, आइसोलेट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, सारे टाइप के फुटिंग्स मिल जाएंगे आपको। पाइप फाउंडेशन तक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इनडेप्थ सा कोर्स है, ETabs सेफ एंड RCDC तीनों कोर्स आपको मिल जाते हैं एक प्राइस पॉइंट के अंदर अंदर। तो 1 फुट का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे देख लो, 4 फीट 4 इंच का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो आओ यहाँ पे उसको दे दो 4 फीट 4 इंचेस, एंटर करो तो यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 का डिस्टेंस कितना है, सो 2 से 3 का डिस्टेंस 6 फीट है। तो वापस इधर आओ, 2 से 3 का डिस्टेंस कितना है, 6 फीट है, ऑलराइट। उसके बाद 3 से 4 का डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे आओ, 3 से 4 का 5 फीट 10 इंचेस का डिस्टेंस है। 3 से 4 का है 5 फीट 10 इंचेस के आसपास, कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद 4 से 6 का डिस्टेंस, 4 से 5 का डिस्टेंस है 6 फीट के आसपास। सो 4 से 5 का डिस्टेंस है 6 फीट के आसपास, 6 मीटर में है, कन्फ्यूज मत होना, फीट देना है हम लोग को वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे और, 5 से 6 का डिस्टेंस कितना है, 10 फीट 2 इंचेस है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, देते हैं 5 से 6 का 10 फीट 2 इंचेस, एंटर करो। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया ये। उसके बाद लास्ट 6 से 7 का डिस्टेंस कितना है, 6 से 7 का डिस्टेंस है अपने पास 7 फीट 2 इंचेस का। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, देते हैं 7 फीट 2 इंचेस, एंटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या हो गया आपके पास, जितना भी आपका स्पेसिंग था सारा हमने कर दिया है। इसको हमने वापस ऑपोजिट में क्यों दिया, बिकॉज हमने कहा हमारा ग्रिड की जितने देखो यहाँ पे कैसा है, ठीक है। जैसे आपको ग्रिड मिल रहा है आपको वैसे ही ग्रिड रिक्रिएट करना है ऑटो कैड के अंदर, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बाद में, ठीक है। फॉलो वट एवर इज गिवन इन ऑटो कैड, ओके। तो यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया हम लोग, तो इसको फॉलो करने का चक्कर हम लोग क्या किए, इसको कुछ इस तरीके से दिया। मैंने टिप बताया था आपको कि जब आप स्पेसिंग में काम कर रहे हो तो ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। बेस पॉइंट जो होंगे यहाँ पे जीरो जीरो होंगे, वापस से हम लोग नॉर्मली जो वाले देते हैं वो दे देंगे। इतना करने के बाद आपको ओके करना, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कंप्लीट जितने भी आपने काम किया चला जाएगा। अगर इसको आपने इस तरह से भी क्लोज कर दिया तो जितना भी आपने काम किया वो चला जाएगा, ठीक है। सेकंड टिप दे रहा हूँ कि जब भी कोई डायलॉग बॉक्स आप क्लोज कर रहे हो ETabs के अंदर, उसको आप ओके करके क्लोज करना, यहाँ से मत क्लोज करना, यहाँ से मत क्लोज करना, ठीक है। इसको ओके करके क्लोज करो, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर अगर क्लोज कर दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसको भी ओके करके ही क्लोज करना है। करने के बाद आपके लिए यहाँ पे ग्रिड बनकर रेडी हो जाएगा, इट टेक फ्यू सेकंड्स, लेकिन आपका ग्रिड बनकर रेडी है। जैसे ग्रिड रेडी हो कंट्रोल एस करके इसको सेव करो, ठीक है। तो यहीं पे सेव कर देता हूँ मैं फॉर नाउ, न्यू फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे हम लोग ETabs करके, ठीक है। यहाँ पे खोलते हैं तो इसका नेम कर देते हैं ग्रिड, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव यहाँ से, ओके। तो इतना करने के बाद मुझे आगे बढ़ना है अभी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग को मटेरियल डिफाइन करने पड़ेंगे एंड हम लोग को कॉलम वगैरह फिट करना पड़ेगा, बीम वगैरह फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ डिफाइन पे, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू मटेरियल प्रॉपर्टी, ओके। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं डिफाइन पे, जा रहे हैं यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पे। जाने के बाद ऐड न्यू मटेरियल करेंगे हम लोग, यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंडिया, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कॉन्क्रीट, बिकॉज हम लोग कॉन्क्रीट डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं M20 M25 कर सकते हो, M25 करते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं ओके, और ऐड न्यू मटेरियल करता हूँ, और करता हूँ M20 फॉर बीम्स, बीम्स एंड स्लैब के लिए M20 काफ़ी होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू मटेरियल करूँगा, रीबार्स पे जाऊँगा मैं, ठीक है। स्टील को हम लोग जितने भी अपना स्टील आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीबार। आता हूँ यहाँ पे, आई विल टेक HYSD 500, ओके। कैन टेक 550 ऑल्सो, करेंटली मार्केट में 550 यूज़ हो रहा है, तो यू कैन टेक 550 एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो डिफाइन पे गए थे हम लोग, मटेरियल्स में गए, कॉलम के लिए डिफाइन किया, बीएम के लिए डिफाइन किया, और हमने जो रीबार आता है रीबार के लिए जो भी एचवाइज रीबार आता है उसको हम लोगों ने डिफाइन करते हैं यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं सेक्शन प्रॉपर्टीज पे, चलते हैं फ्रेम सेक्शंस पे। बहुत सारी फ्रेम्स दी जाती हैं आपको बाय डिफॉल्ट, इस सबकी यूज नहीं होती, आपको जाना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी के पास, ठीक है। डिफाइन पे जाना है, सेक्शन प्रॉपर्टी जाना है, जाने के बाद फ्रेम सेक्शंस के पास, ठीक है। इसको नोट कर लो, डिफाइन, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, कॉन्क्रीट है, स्टील है, स्पेशल है, स्टील कॉम्पोजिट है, हम लोग जा रहे हैं कॉन्क्रीट पे, बिकॉज अपने जो बिल्डिंग होती है वो होती है RCC की बिल्डिंग। तो इस पर क्लिक करो, कॉन्क्रीट पे क्लिक करो। करने के बाद आप कॉलम मेंशन करो इधर, ठीक है। कॉलम आई थिंक इट वॉज 1 फीट बाई 8 इंच का कुछ था वो, तो एक कितना होता है, ओके।
तो एक काम करता हूँ, मैं आई टेक 300x400 का कॉलम लेता हूँ, ठीक है? तो वी कैन गो फॉर 300x400 का कॉलम हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, आने के बाद विल गो फॉर M25 बिकॉज हम लोग कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। देखो बस यहाँ पे मेंशन करने से डायमेंशन नहीं आता, आपको यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है? तो 300 यहाँ पे करेंगे विड्थ में, और 400 करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपना कॉलम यहाँ पे बना देते हैं। ये लाइक नो क्या बोलते हैं, इनिशियल साइजेस हैं, अगर कुछ फेल कर रहा है तो हम लोग इसको साइज इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली। तो चलते हैं मॉडिफाई शोरी बार पर, चलते हैं हम लोग यहाँ से। जाने के बाद विल गो फॉर कॉलम डिजाइन, यहाँ पे हम लोग करेंगे HYSD 550, HYSD 550 करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे ओके, ऑल राइट, एंड वी कैन क्लिक ऑन ओके हियर, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एड न्यू प्रॉपर्टी एंड कॉन्क्रीट एंड यहाँ पे पूरा बैठ के वापस चेंज करो वगैरह, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक हियर एंड गो फॉर एड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, M25 बाई डिफॉल्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? तो बीम पे चलते हैं, बीम पे जाने के बाद वेट, आई हैव टू हैव डिफाइंड वन मोर कॉलम, राइट? तो कॉलम पे चलते हैं, आई टेक 300x300 का एक कॉलम लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? जो यहाँ पे देखो, इफ यू जस्ट ओपन अप एंड सी, यहाँ पे देखो स्क्वायर कॉलम है हमारे पास यहाँ पे, आई थिंक वही एक है अपने पास स्क्वायर कॉलम है, बाकी सब तो नॉर्मली कॉलम्स है अपने पास, राइट? ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से। तो 300x300 M25, इसको मैं 300 कर देता हूँ यहाँ से, एंड इफ यू गो एंड सी हियर, जो भी हम लोग पहले सेलेक्ट किए थे सब कुछ सेम है, वी डोंट हैव टू गो एंड सेलेक्ट अगेन, ठीक है? तो दो कॉलम जो डिफाइन करते डिफाइन कर चुका हूँ मैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी बीएम की, तो आई कैन गो फॉर एड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, वापस जाओ यहाँ से बीएम पर, डिफाइन करो बीएम, आई टेक 300x400 अगेन, ठीक है? M25 की जगह M20 रहेगा यहाँ पे, इसको चेंज करना पड़ेगा। डेप्थ जो होगा, डेप्थ होगा अपना 400 एंड विड्थ होगा 300, फाइन नो प्रॉब्लम देयर। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कॉलम दिया गया है, इसको चेंज करो बीम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मॉडिफाई शोरी पर जाना है। बीम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, अब सिस्टम को कैसा वैसा लगे हम लोग बीम पे काम कर रहे हैं, वी हैव टू टेल द सिस्टम कि हम लोग बीम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज उसको वो कॉलम करके ही ट्रीट करेगा बाय डिफॉल्ट। तो उसको बीम करके यहाँ पे डालो, ताकि सिस्टम को पता चले कि हम लोग बीम डिजाइन कर रहे हैं। उसको HYSD 550 सेम, दिस ऑल्सो सेम, यू कैन डिक्रीज दिस 40 mm, 60 mm को कोई कवर देता नहीं है यहाँ पे साउथ में, तो 40 40 दे देंगे यहाँ पे, इसको हम लोग कर देंगे ओके, ठीक है? अब अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूँगा, एवरीथिंग विल गो अवे। तो आई ऑलवेज क्लोज द सिस्टम बाय डूइंग व्हाट, क्लिकिंग ऑन ओके। तो हम लोग डिफाइन पे आते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज आते हैं, फ्रेम सेक्शन पे आते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, अभी हमने अपना तीन अपना बनाया बीम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मैंने यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आपको बीम करना है। अगर आपने नहीं करा तो इट विल कंसिडर्ड एज टू बी ए कॉलम ओनली, ठीक है? इतना करने के बाद मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो क्लिक ऑन डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और जितनी भी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करो इनको, जो आप यूज नहीं करोगे कंट्रोल करके सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर दो, ठीक है? इनको डिलीट करके ओके कर दो, फिर इसको यहाँ से ओके कर देना। करने के बाद चलते हैं डिफाइन पे, जाते हैं यहाँ से सेक्शन प्रॉपर्टीज हो गया हमारा, इसमें हमें जाना है स्लैब सेक्शन के पास। यहाँ पे जाओ एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी, डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे स्लैब करते हैं, स्लैब 125 mm काफ़ी होगा यहाँ पे, 125 mm। आते हैं M20 के पास एंड चलते हैं यहाँ से स्लैब भी, अपना बहुत सारा ऑप्शन अपने पास, स्लैब के पास जाते हैं एंड यहाँ से इसको करते हैं 125 mm, ठीक है? 125 mm टू वे करते हैं यहाँ से, ठीक है? सो क्लिक कर दो ओके, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करो, इसके बाद जाओ 125 mm वन वे के पास, ठीक है? तो यहाँ पे शेल थिनर लगा के हमको मेम्ब्रेन करना पड़ेगा, यू स्पेशल वन वे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, स्लैब 125 mm करके ओके करके इसको आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, ठीक है? इसको आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, ठीक है? तो टू वे का वन वे का आपने कर दिया, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको यहाँ से प्रॉपरली टू वे लिखेंगे, ओके? इतना करने के बाद डिफरेंस क्या था यहाँ पे, मैंने इसको बस मेम्ब्रेन करा और यहाँ पे इसको मैं चेक कर दिया वन वे के लिए, वन वे डिस्ट्रीब्यूशन कर देना यहाँ पे करके, उसके बाद ओके एंड ओके, ठीक है? तो डिफाइन पर गए हम लोग, जितना भी डिफाइन करना था हमारा अपना डिफाइन हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, उसके बाद हम लोग को ड्राइंग शुरू करना है हम लोग का। तो आप जाओगे यहाँ से वन स्टोरी हटा के ऑल स्टोरी करोगे यहाँ से, ऑल स्टोरी करने के बाद आप जाओगे यहाँ से क्विक ड्रॉ कॉलम्स के ऑप्शन पे जाओगे। जाने के बाद यू कैन सी कॉलम 300x400 आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपको बस अपना इमेज खोलना है या फिर आपको अपना फाइल खोलना है यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट मिनिमाइज इट लाइक दिस, ठीक है? इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पे। तो पहला कॉलम कहाँ पे आ रहा है हम लोग का, पहला कॉलम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो वेलकम ओवर हियर, देखो कॉलम कहाँ था हमारा, यहाँ पे कॉलम है हमारा, इसको मैं यहाँ पे लाके फिट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है? ऊपर से नीचे तक जा रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑल स्टोरी कर रखा है। उसके बाद इफ यू सी हियर, ये सारा जो है इनका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग सा है, ठीक है? बस यहाँ तीन है अपने पास जो इस तरीके के हैं, तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम है हमारे पास, और यहाँ पे कॉलम है विद दिस ओरिएंटेशन, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि ओरिएंटेशन हमारा जो है वो चेंज होता है, यहाँ पर भी है फोर,
यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे क्या है 4C है, तो C अपना यहाँ पे, 4 अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलम आएगा अपना विद द सेम ओरिएंटेशन एज दिस। ओके 4C हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स हो गए अपने पास, तो 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स हो गए। उसके बाद जितने भी कॉलम्स है सबका ओरिएंटेशन अलग सा है, तो आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉलम 300% लेता हूँ मैं और इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। पहले यहाँ पे कॉलम आएगा अपना और यहाँ पे कॉलम आ रहा है अपना, ठीक है। तो इफ यू सी हियर, ये दो कॉलम्स हो गए। उसके बाद मैं वापस आऊँगा यहाँ पे कॉलम 300% पे आऊँगा एंड यहाँ पे जो एंगल दिया गया है इसको मैं कर दूंगा 90 पे। ओके 90 पे करने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्लेस करना है कॉलम, राइट, और मुझे यहाँ पे कॉलम प्लेस करना है अपना, तो इसको वापस मैं करता हूँ यहाँ पे। एंड 3 पे है कॉलम, तो यहाँ पे 3 पे आओ, 3 पे कॉलम प्लेस करो कुछ इस तरीके से, 3 पे है। उसके बाद 4 पे है, 4 के एंड पे है यहाँ पे, यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 पे अपना कॉलम है यहाँ पे, देखो फिर सी है 5 पे कॉलम है अपना, तो 5 पे यहाँ पे प्लेस करते हैं कॉलम कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इनर पे कॉलम है अपना यहाँ पे, तो उसको प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे कॉलम है अपने पास। एंड वापस खोलते हैं इसको, नीचे में अपने पास दो जगह पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है और इस एंड पे अपने पास कॉलम है, ठीक है। वेरी क्विकली यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई आपने क्या करा है, तो ग्रिड बाय ग्रिड चलते हैं, 7 पे से शुरू करते हैं। तो 7 पे अपने पास ग्रिड है यहाँ पे, 1, 2, 3 कॉलम 7 से ही है। उसके बाद 6 पे क्या है, 1, 2, 3 कॉलम सही है। 5 पे 2 कॉलम है, या 5 पे 2 कॉलम है, उसके बाद स्किप करते हैं यहाँ पे आके थोड़ा। ओके ड्रैग करो इसको, इसको खोलो, 5 पे 2 कॉलम थे अपने पास, करेक्ट है। उसके बाद 4 पे अपने पास यहाँ पे कॉलम है और यहाँ एंड पे कॉलम है, तो सही है, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद 3 पे अपने पास एक ही कॉलम है, 3 पे एक ही कॉलम है अपने पास। उसके बाद इसको एक्सटेंड करो यहाँ से, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे ऊपर पे 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है। तो जिस तरह आपने ग्रिड देखा एग्जैक्टली उसको हमने यहाँ पे रिक्रिएट कर रखा है। करंटली हमारे कोर्स है ईटैप सेफ एंड RCDC, जो भी मैंने आपको सिखाया अभी वो G+2 G+3 है। अगर आपको एडवांस सीखनी है तो यू कैन कम एंड परचेज दिस कोर्स, 50% ऑफ चल रहा है करंटली। दो हजार कोर्स है वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर, ठीक है। 1000 रुपीज़ में आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, ईटैप्स नहीं, ईटैप्स के साथ सेफ भी मिलेगा और RCDC भी मिलेगा। हैप्पी होली ऑफर चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। कंटेंट में जाकर देखोगे तो करंटली देखो 30 वीडियोस हैं ईटैप्स के अंदर, 15 वीडियोस हैं सेफ के अंदर। सेफ के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, आइसोलेट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, सारे टाइप के फुटिंग्स मिल जाएंगे आपको, पाइप फाउंडेशन तक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इनडेप्थ सा कोर्स है ईटैप्स सेफ एंड RCDC, तीनों कोर्स आपको मिल जाते हैं एक प्राइस पॉइंट के अंदर अंदर। उसके बाद बारी आती है हमारी बीम्स ड्रॉ करने की, तो बीम के लिए हम लोग जा सकते हैं क्विक ड्रॉ बीम के ऑप्शन के पास। एंड यहाँ पे जाने के बाद यू कैन गो फॉर हियर एंड यू कैन जस्ट गो फॉर क्विक ड्रॉ बीम्स के ऑप्शन के पास। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है क्विक ड्रॉ के ऑप्शन में, कि जैसे आपका ग्रिड आता है ना, तो क्विक ड्रॉ क्या करता है, वो ग्रिड टू ग्रिड ही लेता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ए टू बी के पास से जो ग्रिड है, इफ आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, बस ऐसे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक ग्रिड, मुझे चाहिए इस कॉलम से इस कॉलम तक मुझे ग्रिड चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बस यहीं पे ग्रिड आ रहा है। एंड बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ब्रोकन बीम ड्रॉ करते हैं, जो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करो, जस्ट गो फॉर अ नॉर्मल बीम ऑप्शन, यहाँ पे चेक करो कि आपका बीम ही है यहाँ पे, बीम 300x400, इसको क्लिक करो, ड्रैग करके इसको यहाँ पे प्लेस करो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है प्रॉपरली ग्रिड टू ग्रिड जा रहा है यहाँ पे, तो यू कैन इजिली गो फॉर योर नॉर्मल ग्रिड ऑप्शन, 300x400 लो और सोर्स पर रखो इसको एंड यू कैन इजिली प्लेस इट, नो प्रॉब्लम देयर, ठीक है। लेकिन जब आपका ग्रिड ब्रेक हो रहा है बीचों बीच में, कॉलम टू कॉलम के बीच में ग्रिड आपका ब्रेक हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप नॉर्मल कॉलम ऑप्शन के, नॉर्मल बीम ड्रॉ के ऑप्शन पे जा रहे हो एंड वहां से ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इतना हो गया, अब यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा अपने पास, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना बीम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज अपना ग्रिड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, आई हैव टू गो फॉर द नॉर्मल ऑप्शन, 300x400 लो, इस कॉलम से इस कॉलम तक ड्रॉ करो, कंट्रोल सेट करते हैं, चेंज करते हैं इसको, 300x400 बीम पे है, इसको क्लिक करो, ड्रैग करके इसको प्लेस करो। ओके सेम थिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो एंड सेम थिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो। ओके ऑलराइट, तो हम लोग वापस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ग्रिड बीम ड्रॉ करते हुए। तो यहाँ पर भी हम लोग का बीम आएगा यहाँ पे। ओके जस्ट बिकॉज लाइन जा रहा है, ये गलत हो गया, कंट्रोल सेट करो, यहाँ पे जाओ वापस, सेलेक्ट करो बीम 300x400, ग्रिड पॉइंट 2-3 दिखना चाहिए यहाँ पे। ओके लाइक दिस यू हैव टू प्लेस इट। ओके जस्ट बिकॉज आपका लाइन जा रहा है यहाँ पे ग्रिड लाइन, डज मीन आप अपना बीम ब्रेक करोगे, ठीक है। ये ग्रिड लाइन किसके लिए मार्क किए थे हम लोग, ये किए थे हम मार्क के हम लोग कॉलम्स के लिए, हम लोग कॉलम्स को यूज कर बना चुके हैं, ठीक है। अब बीम यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर ओन। ओके जैसे यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे वॉल जा रहा है, तो ऑलवेज द वॉल इज सपोर्टेड बाय व्हाट, वॉल इज सपोर्टेड बाय अ बीम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ एक बीम ड्रॉ करूंगा,
ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट करता हूँ इस चीज़ को और इसको यहाँ से लेके बीम 300 cos 400 इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक मैं अपने लिए बीम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके अगेन आई कम बैक ओवर हियर एंड यू कैन सी यहाँ पर भी मुझे बीम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट आई जस्ट गो फॉर द पेरिफेरी फर्स्ट, ठीक है। जितने पेरिफेरी में फिल्म को कवर करते हैं। ओके तो आते हैं यहाँ पे और वेरी क्विकली व्हाट आई डू, आई ड्रॉ कॉलम टू कॉलम, जितने बीम्स हो सकते हैं उतने बीम्स मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगेन बी वेरी केयरफुल कि आपका जो पॉइंट है वो नजर आना चाहिए, तो ग्रिड 0.71 दिखा के आ रहा है यहाँ पे A7 करके, इट शुड बी विजिबल टू यू व्हेन यू आर ड्रॉइंग इट। ओके तो यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। ओके तो यहाँ पर भी एक बीम आएगा, ऑलराइट एंड ओके ठीक है। तो यहाँ पर इस एंड पे हम लोग बीम्स ड्रॉ करनी है, अभी ड्रॉ नहीं किया हम लोगों ने इस एंड पे बीम्स। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से लेके यहाँ तक बीम जाएगा अपने लिए, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बीम आएगा अपने पास, ऑलराइट एंड देन यहाँ से यहाँ तक बीम आएगा, यस एंड फिर यहाँ से यहाँ तक एक बीम जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस ऊपर से एंड विल गो रूम बाय रूम। अब देखो बेडरूम के बीचों बीच में कभी बीम ड्रॉ नहीं करते हम लोग, ना ये बीम ड्रॉ करेंगे ना ये बीम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज बहुत अगली लगता है, एस्थेटिकली इट इज़ वेरी अनप्लीजिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बीम ड्रॉ नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, बिकॉज ये ग्रिड्स हैं किसके लिए, ग्रिड्स हैं कॉलम के लिए, बीम के लिए नहीं। ओके बीम कॉलम लेयर अलग से बना सकते हो, वो अलग प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे एंड यू कैन सी ये वाला ड्रॉ कर दिए, ये वाला ड्रॉ कर दिए, बट यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये ओपनिंग है तो यहाँ पे डेफिनेटली बीम आके ब्रेक करेगा, यहाँ पे स्लैब ब्रेक होगा बिकॉज ओपनिंग है। तो हमको क्या पता लगा कि हम लोग किस डिस्टेंस पे हम लोग इसको मार्क करेंगे, तो यू कैन सी हियर कि 6 feet 8 inch पे हम लोग को मार्क करना है, ठीक है। जो वॉशरूम है ये 6 feet 8 inch के लेंथ पे है, तो इस बीम को मैं लूंगा और इसको मैं रेप्लिकेट करूंगा 6 feet 8 inch के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करते हैं, जाता हूँ मैं एडिट पे, जाता हूँ रेप्लिकेट के पास एंड यू कैन सी है अपने पास लीनियर ऑप्शंस हैं। तो ये होगा अपना एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है अपने पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है अपने पास। तो व्हाट आई विल डू, एक्स एक्सिस में जाऊंगा एंड आई गिव माइनस वैल्यू, क्यों, बिकॉज मैं एक्स को वापस खींच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ आई वॉज इंक्रीजिंग द वैल्यू आई विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज हम लोग बढ़ रहे हैं एक्स के डायरेक्शन में, बट हम लोग वापस आ रहे हैं, तो आई गिव अ नेगेटिव वैल्यू, तो आई गिव -6.8 क्या होगा, फीट होगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट है कि ये फीट में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अपने मीटर्स में, तो ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अप्लाई करोगे, ओके करोगे, तो इससे क्या हो गया, आपका एक जो सेकेंडरी बीम आता है वो यहाँ पे आ गया, हम लोग को यहाँ पे कट आउट देना है यहाँ पे अभी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने इस बीम को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं गया एडिट में, स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपको बीम सेलेक्ट करना है, यहाँ से एडिट पे जाना है, रेप्लिकेट पे जाना है, जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लिनियर में, एक्स डायरेक्शन में -6.8 feet पे था वो, एंटर करो, वैल्यू मिल जाएगा, अप्लाई करो, ओके करो, या आपके लिए जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया। अब आते हैं इस रूम पे, अगेन आई विल नॉट ड्रॉ एनी बीम्स, बिकॉज बेडरूम के अंदर हम लोग बीम्स ड्रॉ नहीं करते जनरली। तो ये हो गया, उसके बाद आते हैं इस वाले पोर्शन पे, एज सून एज यू कम यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू ड्रॉ हियर। ओके पहली बात तो मैं क्या करूँगा कि आइदर आई कैन ड्रॉ अ बीम फ्रॉम हियर टू हियर एंड जॉइन दिस, बिकॉज स्लैब कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से एक बीम ड्रॉ करता हूँ, 300 cos 400 का बीम ड्रॉ करूंगा यहाँ से। ओके करीब 1.8 meters का बीम है, उतना बड़ा बीम नहीं है, कैंटिलीवर सपोर्ट कर लेगा इस चीज़ को, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो डिस्टेंस बहुत ही कम है, 1 feet का डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब बीम आके बैठेगा भी तो कॉलम के पास थोड़ा तो आगे बैठेगा, दिस इज बेसिकली लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में आपको तो पता चलता नहीं है, लेट मी ट्राई टू गेट अ एक्सट्रूड व्यू फॉर दिस। ओके तो यू कैन सी कैसा आके बीम बैठ रहा है वहाँ पे, कॉलम यहीं पे, बीम का डायमेंशन यहीं पे, तो कॉलम कैसा के बीम कैसा के बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इवन दो इट इज अ कैंटिलीवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इट विल टेक केयर ऑफ इट, नो इश्यूज। ओके इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, तो इतना हो गया, इस वाला हम लोग को यहाँ पे अलग बंद कर दिए। अब आते हैं वापस यहाँ पे एंड यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर भी ओपनिंग है एंड अगेन यू कैन सी कपल ऑफ थिंग्स आर देयर, देयर इज 4 feet 10 inches पे क्या है मेरे पास, एक आगे बढ़ना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं बस यहाँ पे एक बीम बना देता हूँ, लॉन्ग बीम, ऑलराइट। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इस वाले सेक्शन को एंड डिस्टेंस कितना है मेरा यहाँ पे, डिस्टेंस है 4 feet 10 inches का डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पे। ओके 4 feet 10 inches का लेंथ में डिस्टेंस है, तो आई विल कम ओवर हियर
आई गो टू एडिट अगेन, आई एम वर्किंग इन ऑल स्टोरीज, जो जितना भी चेंज कर रहा हूँ मैं सारे स्टोरीज में बन रहा है वो, ठीक है। तो एडिट पे चलो, एडिट पे जाने के बाद आप जाओगे रेप्लिकेट पे, जाओगे लीनियर पे। इस बार हम लोग नेगेटिव नहीं देंगे, पॉजिटिव देंगे वैल्यू, बिकॉज वैल्यू आगे बढ़ रहा है। तो इट वॉज 4 feet 10 inches की वैल्यू थी हमारे पास, एंटर करते हैं उसको एंड करते हैं अप्लाई एंड करते हैं ओके, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, अपने हम लोगों ने इतना कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को इसको और फर्दर डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे एक बीम जाएगा हमारा, उसके बाद यहाँ पे 4 feet पे हम लोग को नीचे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद और 3 feet 6 inches पे हम लोग और नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आपका स्लैब ब्रेक होगा यहाँ पे। और व्हाट यू कैन डू, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वॉशरूम्स, आप सिंगल स्लैब कास्टिंग भी कर सकते हो डायरेक्टली। आप क्या करोगे, आप बस 4 feet एंड इसको मना के यू कैन जस्ट पुट इट देयर इजिली, इट इज अप टू यू। आप इसको जैसे चाहे उसको आप ऐसा बना सकते हो, बिकॉज वॉल है, आपको वहाँ पे बीम डालना जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पार्टीशन वॉल, उतना हैवी लोड आता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आई डू वन थिंग, आई पार्टीशन इट एनीवे, आई डिवाइड इट एनीवे, मैं यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर लेता हूँ अपने लिए, देन आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर बीम ओनली, कंट्रोल सेट करता हूँ, ठीक है, इसको पहले ब्रेक कर देते हैं। वी कैन गो फॉर अदर मेथड, एडिट पे जाओ, एडिट फ्रेम पे जाओ एंड डिवाइड फ्रेम पे आते हैं, ब्रेक एट इंटरसेक्शन करता हूँ मैं ओके, एंड आई क्लिक ऑन ओके। तो इससे क्या होता है कि मेरी बीम ब्रेक हो जाती है कुछ इस तरीके से, ऑलराइट ओके। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, वापस जाऊंगा रेप्लिकेट पे, एडिट रेप्लिकेट पे जाऊंगा। अब मुझे वाई वाले वाई में आना पड़ेगा, ठीक है, एंड आई कम इन नेगेटिव वाई, मैं नेगेटिव -4 feet पे आऊंगा एंड क्लिक ऑन अप्लाई करूंगा, हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, -3 feet 6 inches पे आऊंगा, -3 feet 6 inches पे आऊंगा, एंटर करूंगा, अप्लाई करूंगा एंड आई गेट वन मोर बीम लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल हल्का सा खिसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग 4 feet 10 inches के आसपास का थोड़ा स्पेसिंग का यहाँ पे सिचुएशन है, बट ऑन साइड इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज डोर है तो इसलिए उन लोगों ने इसको थोड़ा मूव कर दिया है। इफ यू वांट टू मूव दिस बीम, यू कैन डेफिनेटली मूव दिस बीम। आपको बस क्या करना पड़ेगा, एडिट पे जाओगे, आप जाओगे यहाँ से वापस, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम डिवाइड फ्रेम्स करके यू कैन मूव इट, बट फॉर एनालिसिस पर्पस इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे फॉर नाउ, ओके। ऑन साइड क्या होगा, जब कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको तो इसको हल्का सा मूव करके ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑलराइट, बट फॉर एनालिसिस पर्पस इतना सब यू नो यू डोंट हैव टू गो इन दैट काइंड ऑफ कीन डिटेल एंड डू इट, ऑलराइट, बिकॉज क्या होता है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास होता है एनालिसिस चेक मॉडल का ऑप्शन होता है, ये क्या करता है, इट स्टार्ट पिकिंग इट अप एज एरर, ठीक है, और जब एरर पिक करना शुरू करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो लोड है वो सही से ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जब अभी कोई वार्निंग नहीं आ रहा हम लोग को, ठीक है। तो टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द बीम एंड पुशिंग इट, इसके लिए अभी यहाँ पे छोड़ दे इसको, ओके, टेंशन मत लो, ऑलराइट, हार्डली कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था सिचुएशन हमारा, जैसे बीम आके बैठा यहाँ पे, कॉलम का एक्सट्रूड वर्जन में दिखाया था मैंने, बार जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके का वहाँ पे सीन होगा, ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस ऑफ फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, एंड इवन ऑन द साइड यू कैन टेल देम कि थोड़ा मूव कर दो इसको, बिकॉज कैसे भी कॉलम ऊपर आएगा एंड यू हैव सम अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर द लिंटल कम्स फॉर द डोर, तो इशू नहीं होगा उसमें, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया है, ये ओपनिंग रहेगा हमारे लिए, कटआउट रहेगा, ये भी कटआउट रहेगा, ओके, बाकी सब जगह पे हम लोग फिलिंग करेंगे अपना। तो उसको वापस खोलते हैं, यहाँ पे खोलते हैं एंड यू कैन सी ये हमारा पैसेज होगा, ठीक है, दिस एरिया इज पैसेज एरिया, ओके, यहाँ पर तक पैसेज है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस एरिया पे, नीचे वाले एरिया पे, यहाँ पे कुछ है, ये अपना किचन है, ठीक है, ये अपना स्टेयरकेस है, ऑलराइट, ये एंट्रेंस होगा, ठीक है, ये होगा अपना हॉल, ओके। अब हॉल में आप क्या कर सकते हो, इफ़ द स्लैब इज टू बिग, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक दिस अ वेरी यू नो बिग बीम, ठीक है, स्लैब काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करो, इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है, और सोच डिलीट कर दो, गो फॉर ड्रॉ ऑप्शन 300+400, आप यहाँ पे कंप्लीट बीम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक एंड यू कैन ब्रेक द स्लैब, ठीक है, यहाँ पे देखो यू कैन कम्प्लीटली ब्रेक द स्लैब, तो इट विल डिवाइड द स्लैब इन टू, अगेन यू नीड अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट्स फॉर दिस, अगर आपका क्लाइंट अप्रूव नहीं कर रहा है तो आपको बीम नहीं डाल सकते आप यहाँ पे, आप हिडन बीम डाल सकते हो, अगेन इट डिपेंड्स कि ऊपर पे क्या है, अगर ऊपर पे क्या है यहाँ पे, अगर आप ऊपर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू टेक दिस स्टेशन, यू गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड यहाँ पे आपका बेडरूम है जो कि यहाँ पे कटआउट हो रहा है यहाँ पे बेडरूम का, तो आप क्या करोगे, दैट टाइम इफ देर इज अ वॉल हियर यू हैव टू सपोर्ट इट विद द बीम एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फ्लोर्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो फॉर नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट डिवाइडेड फॉर नाउ, ऑलराइट, बट इफ योर क्लाइंट डजंट एग्री, आपको इसको हटाना ही पड़ेगा, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पूरा मॉडलिंग कर सकते हो। अभी तक हम लोग जो भी किए हैं वो बस कॉलम एंड बीम ही बनाए हैं हम लोग, राइट। तो चलते हैं फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है, स्टोरी 3 स्टोरी 1 फाउंडेशन पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अगेन हम लोग ऑल स्टोरी में, इसलिए ऑलवेज ओपनिंग प्लान इन 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई मीन ऑल स्टोरी सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है,
इसको एस्केप करो, यहाँ से करो वन स्टोरी, ओके। इसको सेलेक्ट करो, बेसिस सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद गो टू असाइन, असाइन जॉइंट्स रिस्ट्रेंट्स, और करो यहाँ पे कंप्लीट रिस्ट्रेंट अप्लाई करके ओके कर दो यहाँ से, ठीक है। जूम इन जूम आउट करो, ये चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत बारी नहीं होता है तो इसको क्लोज करके आपको नया विंडो खोलना पड़ेगा, ओके। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ऑल स्टोरी से वन स्टोरी पे गया यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे, उसको सेलेक्ट किया मैंने, देखो सब यही सिलेक्ट हुआ है। वेंट टू असाइन, जॉइंट्स पे गया, रिस्ट्रेंट्स पे गया, एंड मैंने इसको फिक्सिटी दे दिया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है फिक्सिटी का, अप्लाई करके ओके कर दिया मैंने। कुछ तरीके से आप असाइन कर सकते हो। करंटली हमारे कोर्स है गिटहब सेफ एंड RCDC, जो भी मैंने आपको सिखाया अभी वो G+2 G+3 है। अगर आपको एडवांस सीखनी है तो यू कैन कम एंड परचेज दिस कोर्स, 50% ऑफ चल रहा है करंटली। दो हजार कोर्स है वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर, ठीक है। 1000 रुपीज़ में आपको तीन कोर्सेस मिलेंगे, गिटहब्स नहीं, गिटहब के साथ सेफ भी मिलेगा और RCDC भी मिलेगा। हैप्पी होली ऑफर चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। कंटेंट में जाकर देखोगे तो करंटली देखो 30 वीडियोस हैं गिटहब्स के अंदर, 15 वीडियोस हैं सेफ के अंदर। सेफ के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, आइसोलेट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, सारे टाइप के फुटिंग्स मिल जाएंगे आपको, पाइप फाउंडेशन तक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इनडेप्थ कोर्स है, गिटहब सेफ एंड RCDC तीनों कोर्स आपको मिल जाते हैं एक प्राइस पॉइंट के अंदर अंदर। इतना करने के बाद चलते हैं एडिट पे, एडिट से एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम चलते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से कहाँ गए थे हम लोग, हम लोग गए थे एडिट पे, जाने के बाद एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम पे गए थे हम लोग। यहाँ से इस पे क्लिक करना है, क्लिक करो, वापस यहाँ पे आओ, मॉडिफाई बस शो डेटा पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो, यहाँ से इसको नाम दे दो आप फाउंडेशन करके, फाउंडेशन लेवल, ओके, प्लिंथ लेवल, ओके। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर स्लैब दे दो यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर स्लैब हो जाएगा ये, एक काम करते हैं ग्राउंड फ्लोर रूफ, ठीक है, वैसे मेंशन कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का रूफ आएगा यहाँ पे, रूफ स्लैब कर देते हैं यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब कर दो, फर्स्ट फ्लोर रूफ स्लैब कर दो, सेकेंड फ्लोर रूफ स्लैब कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, ऐड करो, ऐड स्टोरी, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट 3 मीटर पे, आई वांट टू ऐड वन मोर स्टोरी, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा हमारा टेरेस लेवल, टेरेस स्लैब होगा ये, ठीक है। तो थोड़ा पेंट खोल देता हूँ अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज हो रहा है तो, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया था, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का रूफ स्लैब होगा ये, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का रूफ स्लैब होगा ये, सेकंड फ्लोर का रूफ स्लैब होगा ये, उसके बाद टेरेस आएगा, उसके ऊपर आएगा OHT, ओके। तो इफ़ आई गिव द नेमिंग, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा ग्राउंड फ्लोर, ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये होगा हमारा सेकेंड फ्लोर, ओके, ये होगा हमारा टेरेस, और ये होगा हमारा OHT का लेवल, ओके। और नेमिंग मैंने कैसे दिया है, नेमिंग मैंने दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि मैंने इसको बुलाया है प्लिंथ लेवल, उसके बाद ये होगा, यहाँ पे आता हूँ, वापस ड्रा करते हैं इसको, ये होता है ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब, ओके। ये क्या होगा हमारा, ये होगा फर्स्ट फ्लोर का रूफ स्लैब, ठीक है, मेरा फर्स्ट फ्लोर ये है, उसका रूफ स्लैब ये है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फ्लोर रूफ स्लैब, ठीक है। टेरेस के ऊपर जो आएगा इसको मैं बोल सकता हूँ OHT का स्लैब बोल सकता हूँ मैं इसको, या फिर टेरेस स्लैब ही बोल देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। टेरेस स्लैब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो प्लिंथ लेवल हो गया, ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब हो गया, फर्स्ट फ्लोर रूफ स्लैब हो गया, सेकेंड फ्लोर रूफ स्लैब हो गया। उसके बाद टेरेस के ऊपर जो स्लैब आता है उसको आप टेरेस स्लैब बोल देते हैं यहाँ पे, ओके। इसके ऊपर क्या आएगा हमारा, इसके ऊपर आएगा हमारा OHT। तो यहाँ पे जाओ, ऐड स्टोरी करो, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट 3 मीटर पे ही देना है, तो 3 मीटर पे ही दो, एंड मेक इट OHT ओवरहेड टैंक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसको क्लिक कर दो ओके, इसको कर दो ओके। तो यू कैन सी जो भी था हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे यहाँ तक। तो इफ़ यू जस्ट कम टू द टॉप मोस्ट लेवल, आप OHT पे हो अभी, OHT पे क्या होता है कि यू डोंट नीड ऑल दिस स्टफ, आपका बस जहाँ पे आपका ये आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वाटर का आ रहा है, बस आपको वही सिचुएशन चाहिए, बाकी सब आप डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, ओके, एंड आई जस्ट डिलीट दम, इसको भी सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। आई लीव ओनली दिस टू ऑप्शन, देखते हैं कहाँ पर हम लोग अपना फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपना ग्रिड यहाँ से बंद कर देता हूँ, सेट क्वेश्चन, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस,
ठीक है, कि आपका टेरेस हो गया, टेरेस उसके बाद आ गया आपका पूएचडी लेवल। ओके, कुछ इस तरीके से। अगेन नेमिंग आप पे होती है, ये नेमिंग मैंने दी है आपका, अगर कुछ और नेमिंग होगा तो आप दे सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें। ऑलराइट, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से। अब इतना सब करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को अपना अभी स्लैब बिठाना है यहाँ पे। तो चलते हैं ड्रॉ पे, यहाँ पे आपका फर्स्ट ड्रॉ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम चलते हैं ड्रॉ फ्लोर वॉल्स पे। आई कैन गो फॉर द सेकंड ऑप्शन ओनली, इट इज़ वेरी इजी टू यूज दैट। आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग को देखना है वन वे है टू वे है, तो जनरली क्या होगा, ये टू वे ही होगा स्लैब। तो इसको ड्रैग करके ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे, ड्रैग करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 3D व्यू में अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं अभी, एंड यहाँ पे देखो गेंग ओ फॉर ऑल स्टोरीज एंड यू कैन डू इट अगेन, बट यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा वो। मुझे जो कंट्रोल सेट चलता हूँ ऑल स्टोरीज पे मैं, एंड बाद में डिलीट कर लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो सारे फ्लोर्स पे आ गया, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर भी सारे फ्लोर्स पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये तो दिखने में वन वे दिख रहा है मेरे को, तो वी कैन जस्ट गो फॉर वन वे हियर। अगेन यू कैन डू LY/LX करके आप कर सकते हो, बट आई थिंक यू नो ऑल द बेसिक्स ऑलरेडी, वन वे टू वे स्लैब का बेसिक्स। एंड वन मोर मिस्टेक आई हैव मेड, ये भी वन वे ही होगा बिकॉज ये इस तरीके का सेक्शन है, तो ये भी कुछ इस तरीके से आएगा, और ये भी कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो आई जस्ट कम ओवर हियर एंड मेक इट टू वे। यहाँ पे आकर टू वे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो बस फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज आई एम कीपिंग समथिंग एज वन वे। ओके, आपको LY एंड LX वाले चेक करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन यू नो कैलकुलेट एंड सी के वन वे है टू वे है। ठीक है, अभी के लिए बस मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो यू कैन सी कि यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन हम उसको डिलीट करते हैं, टेंशन नहीं है उसका। ओके, उसके बाद ये भी मैं टू वे बनाऊंगा। ठीक है, इसको भी मैं टू वे बनाऊंगा। ऑलराइट, इसको और इसको मैं वन वे, इन तीन को मैं वन वे करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ वन वे के पास, ये भी वन वे बनाता हूँ, इसको भी वन वे करेंगे, और इसको भी हम लोग वन वे ही करेंगे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, एंड अभी मैं और स्टोरी जाता हूँ, इसको वन स्टोरी करता हूँ यहाँ से। करने के बाद आई गो टू माई रूफ लेवल अगेन, एंड जितने भी एक्स्ट्रा स्लैब्स मैंने बनाए हैं यहाँ से, डिड ऑल द स्लैब्स, तो डिलीट कर दो। ठीक है, सेम थिंग फॉर द फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन लेवल पे भी स्लैब्स बन जाते हैं अपने पास, तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट करके इनको भी आप डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग अ शॉर्टकट, ये इशू होता है हमारे पास। ऑलराइट, देन आते हैं प्लिंथ लेवल पे। अब देखो इसका मैंने बहुत बार एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ मैं, कि जब आपका प्लिंथ जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो प्लिंथ लेवल है यहाँ पे, ठीक है, इट इज कमिंग एंड सेटिंग ऑन मड। एक काम करता हूँ, इसका एक कॉपी बना लेता हूँ पहले। ओके, अगर जो प्लिंथ लेवल है वो आके मिट्टी पे बैठा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, जनरली आपका जो होता है प्लिंथ बीम कुछ इस तरीके से भाग रही है यहाँ पे, लेकिन इट इज सेटिंग डायरेक्टली ऑन दी मड। ठीक है, तो यहाँ पर लाते हैं, थोड़ा मड ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। तब आप क्या करोगे, आप अपना स्लैब नहीं बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, यू नॉट कंस्ट्रक्ट एन RCC स्लैब हियर, आप बस फिलिंग कर दोगे, फिलिंग करके आप अपना काम आगे बढ़ाओगे। ठीक है, बट इन केस अगर आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे है प्लिंथ, ठीक है, बहुत बारी क्या होता है कि ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्लिंथ जो है आपकी मिट्टी के पास नहीं बैठा है यहाँ पे आके। ठीक है, वजह से ड्रॉ मड हियर जिस तरीके से वो यहाँ पे आके नहीं बैठा। इंस्टेड व्हाट इज हैपनिंग इज, आपके पास यहाँ पे कॉलम्स जा रही हैं प्लिंथ लेवल के बाद भी, आपके पास जो है हल्की सी कॉलम्स जा रही है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा लेवल है यहाँ पे जिसका नाम होगा बेसमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे लिख दो बेसमेंट फ्लोर करके। ओके, तो इन केस पे क्या होता है कि आपको जो प्लिंथ लेवल पे होता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे आता है आपका प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल करके। ऑलराइट, तो इन कंडीशन में क्या करोगे आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना RCC स्लैब रखोगे। अगर आपका बस बेसमेंट फ्लोर है, आप अपने नो यू हैव वन मोर फ्लोर अंडर द ग्राउंड लेवल, उन केसेस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके अपना अपना RCC स्लैब दे सकते हो। बट इन जनरल 99.9% केसेस में क्या होता है, आपको जो प्लिंथ लेवल होता है वो ग्राउंड लेवल पे ही होता है, जिसके नीचे मिट्टी होती है। ओके, तो उन कंडीशन में क्या होता है कि आप प्लिंथ लेवल पे जो है, जैसे मैं यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे हूँ, आप अपना स्लैब नहीं ड्रॉ करते, RCC का स्लैब नहीं बनाते आप वहाँ पे। ठीक है, RCC मतलब क्या, उसमें अपना रीइंफोर्समेंट इसमें सब कुछ होता है, राइट? तो ये वाला स्लैब आप ड्रॉ नहीं करते प्लिंथ लेवल के पास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपना मॉडलिंग वाइंड अप करोगे ई टैप्स के अंदर। कटआउट्स हैं यहाँ पे, अगर आपको कटआउट्स बनाने आए हैं तो आप काम कर सकते हो कि यू कैन गो फॉर ऑप्शंस लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आना चाहिए कटआउट का, ओपनिंग का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे अपने लिए ओपनिंग ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज टू मेक श्योर
कि इन फ्यूचर आप बाई मिस्टेक कुछ ना ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा मॉडलिंग जो है वाइंड अप हो जाता है एक सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। बहुत क्विकली आप कर सकते हो इसको, विद इन मैटर ऑफ सेकंड आप ड्रॉ कर सकते हो, ओपनिंग आपके लिए बन जाता है वहाँ पे, आप स्लैब ड्रॉ करो स्लैब बन जाता है आपके पास। इट ऐप इज दैट यूजर फ्रेंडली। तो इतना करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर डिफाइन, जाते हैं लोड पैटर्न्स के पास। हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है। डेड लोड वो अपने आप कैलकुलेट करता है, जितना भी आपका बीम का डेड लोड हो, स्लैब का हो, कॉलम का हो, इट विल कैलकुलेट ऑन इट्स ओन। लाइव लोड को हम लोग देना पड़ता है, एंड वी हैव टू ऐड वन मोर लोड, ओके, होता है वॉल लोड। वॉल लोड में ऐड लोड करता हूँ मैं, और होता है फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर का लोड होता है, उसको मैं ऐड करता हूँ ऐड लोड के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पास स्लैब्स हैं, ठीक है, आई जस्ट ऐड दैट लोड। तो मैं काम करता हूँ, ऑल्सो करता हूँ मैं यहाँ पे, आई सेट ऑल दी स्लैब्स जो भी हैं मेरे पास, सेलेक्ट करता हूँ मैं इनको। सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू असाइन। असाइन में जाने के बाद अब जाएगा शेल लोड्स पे, बिकॉज जितने भी फ्रेम्स ये हैं स्लैब्स हैं उसको हम लोग शेल मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेल लोड्स पे जाएंगे, जाएंगे यूनिफॉर्म पे, जाने के बाद डेड पे नहीं अटैच करना, ठीक है, लाइव पे करना है। तो एक लोड का लाइव लोड अटैच करेंगे, ठीक है, अप्लाई करो। ऑलराइट, इतना करने के बाद सेलेक्ट गेट प्रीवियस सेशन पे जाओ, गो फॉर फ्लोर फिनिश एंड सीलिंग प्लास्टर, इसको आप कर दो 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि हम लोगों ने 1.5 क्यों अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, तो ये 1.5 क्यों आ रहा है, लाइव लोड 2 ही क्यों आ रहा है, वगैरह वगैरह जानना है आपको, तो यू कैन कम ओवर हियर टू आवर प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको। G+2 पे प्रोजेक्ट है, G+3 पे प्रोजेक्ट है, G+3 पे प्रोजेक्ट है, तो इन सब प्रोजेक्ट्स मैंने ना इन डेप्थ जाके पढ़ाया आपको, आपको सारा कोड बुक समझाया यहाँ पे। एंड यू कैन सी G+6 पे 1.5 आवर का हमारे पास मास्टर क्लास अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे जाओगे तो आपके सारे डाउट जितने भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि 1.5 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया करके। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं वैसे अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे लोड, अपना 1.5 का लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद व्हाट आर वी गोना डू इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आई जस्ट कम फॉर ऑल स्टोरेज ऑप्शन, देखो ये जो है वन वे स्लैब है, तो वन वे स्लैब में क्या होता है कि आपका लोड ये वाली बीम और ये वाली बीम लेती है, ठीक है, ये वाली बीम लेती है, बिकॉज आपका जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी। तो आई जस्ट सेलेक्टेड, आई गो टू असाइन, आई गो टू शेल्स में जाते हैं हम लोग, शेल में आने के बाद अपने हम लोग को मिलेगा लोकल एक्सेस, और यहाँ से करता हूँ 90, इसको मैं करता हूँ अप्लाई और ओके, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे, तो यू कैन सी जितना भी लोड होगा वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, बिकॉज ये वन वे स्लैब है, तो मेन रिइंफोर्समेंट क्या होता है अलॉन्ग द लॉन्गर डायरेक्शन में जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको ऐसा क्यों दिया, इवन दो इट इज अ टू वे स्लैब, व्हाई हैव आई गिवन वन वे स्लैब लाइक दिस, इट्स बिकॉज इट्स अ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एक बीम होगा, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक बीम होगा, ऑलराइट, एंड ये आपका स्टेयरकेस का स्लैब आएगा कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास और एक बीम रहेगा बेसिकली कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। तो ये भी हमारा एक लेवल हो गया, प्रॉपर करता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि आप अपना यहाँ पे और एक लेवल लेके चलोगे, आगे बढ़ोगे, यहाँ से ऊपर जाओगे, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, आपके लिए एक अलग बीम बनेगा, यहाँ पे अलग फ्लोर पे अलग बीम रहेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका लोड जो हो रहा है इस बीम और इस बीम पे ही डिवाइड हो रहा है, इवन दो इट इज अ डिफरेंट लेवल्स, आपका जो लोड हो रहा है क्या हो रहा है वो इस बीम और इस बीम पे ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो द बीम दैट इज कमिंग हियर एंड द बीम दैट इज कमिंग हियर, सेम थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो इसलिए क्या होता है, जितना भी लोड आएगा आपका स्लैब का, जितना भी लोड आएगा, आइदर इट विल गो हियर एंड हियर ओनली, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आता आपका लोड, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टेयरकेस सेक्शन पे क्या कर रखा है, जगह देखोगे यहाँ पे, दिस इज स्टेयरकेस सेक्शन, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको वन वे स्लैब दिया है, क्योंकि ये वाला बीम और ये वाला बीम ही लोड लेगा, ओके, यू कैन सी हियर, ये वाला बीम और ये वाला बीम ही लोड लेगा, सेम थिंग लाइक दिस, ऑलराइट। तो इतना करने के बाद अभी हमने अपना लाइव लोड अप्लाई कर दिया है, डेड लोड ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, 1.5 टाइम्स हमने लोड अप्लाई कर दिया है। अभी हम लोगों को करना है रन एनालिसिस, उससे पहले डिस्प्ले पे जाओ, सॉरी एनालिसिस पे जाओ, चेक मॉडल पे जाओ, 10 mm के इस पे इसको चेक करो, कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक, देयर इज नो वार्निंग। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, कंट्रोल एस करो, सेव करो इसको, इसको रन करो। ओके, तो एक बार इसने आपको रन कर दियो, रन करने के बाद क्या करना है आपको, यू कैन जस्ट कमेंट सी द रिफ्लेक्शन वैल्यूज हियर, डेड लोड पे चेक करो, अप्लाई करो, एंड इफ यू वांट टू सी कॉन्टोर्स
और यहाँ पे यूजर पे अप्लाई करो, यू कैन सी डिफरेंट कॉन्टोर्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको -1.2 से इट इज़ गोइंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर लाइक दिस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे जो है -1.2 mm का जो है डिफ्लेक्शन आ रहा है हम लोग को डेड लोड के अंदर। इसको मैं लॉक करता हूँ एक सेकेंड के लिए। डिफाइन पे चलो, लेट्स गो फॉर लोड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ऐड न्यू कॉम्बिनेशंस करते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड करते हैं। यहाँ से डेड लोड पे ऐड करो, लाइव लोड ऐड करो, उसके बाद वॉल लोड प्लस सीलिंग प्लास्टर भी ऐड करते हैं हम लोग यहाँ से। इसको हम लोग ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बो करो, इसको 1.5 कर दो। ठीक है, इसको हम लोग 1.5 करते हैं, 1.5 करो यहाँ से, 1.5 एंड 1.5 करो, ओके करो और ओके करो। अब वॉल लोड की बारी आ रही है, तो हम लोग परिफेरी में लगा देता हूँ वॉल लोड अभी के लिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, अगेन आई विल गो फॉर ऑल स्टोरेज ऑप्शन हियर एंड इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, यहाँ से कुछ इस तरीके से। आप परिफेरी में जितने वॉल्स हैं आप उसको सेलेक्ट करो, जितने बीम्स हैं सॉरी। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे एंड आई सेलेक्ट इवन दीज वंस। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को कटआउट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, जाता हूँ असाइन पे, जाता हूँ फ्रेम लोड्स पे। ठीक है, लास्ट हम लोग कहाँ गए थे? शेलोड्स पे गए थे, बिकॉज हम लोग स्लैप अप्लाई कर रहे थे, फ्रेम लोड्स पे कर रहे हैं बिकॉज हम लोग बीम पे कर रहे हैं। तो फ्रेम लोड्स पे आओ, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, आने के बाद गो फॉर वॉल लोड्स एंड अप्लाई द वैल्यू ऑफ 7.5 न्यूटन। ओके, 7.5 और 7.6 व्हाटएवर यू वांट यू कैन अप्लाई। अगेन ये 7.5 कहाँ से आया हम लोग को, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दिस क्लासेस। अगेन आपको एक्सपोजर मिलेगा इससे, GPS2 पर एक्सपोजर मिलेगा, GPS3 का एक्सपोजर मिलेगा, GPS6 एक्सपोजर मिलेगा आपको, प्लस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन मोर डेप्थ। ठीक है, तो इसको अप्लाई करो और ओके करो। इतना करने के बाद यू कैन कम टू द टॉप मोस्ट लेवल, दैट इज अ रूफ स्लैब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7.5 का जरूरत नहीं है जनरली स्पीकिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं इसको, यहाँ से नॉर्मल विंडो कर दो यहाँ से, जस्ट गो फॉर वन स्टोरी। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इतना हैवी लोड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किए, असाइन पर जाएंगे, जाने के बाद विल गो फॉर फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यहाँ पे क्या है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड, तो ऑलरेडी 7.5 एग्जिस्टिंग है, तो ये वॉल्स को रिप्लेस कर देगा। आई अप्लाई लाइक 3 or 4 हाफ ऑफ इट आई अप्लाई अप्लाई एंड ओके। सेम थिंग फॉर टेरेस लेवल ऑल्सो, नीचे आओ, यहाँ पे देखो सब 7.5 लगा हुआ है। अगेन इसको नॉर्मल कर दो यहाँ से, अनडिफॉर्म शेप देखो यहाँ से, जस्ट गो फॉर वन स्टोरी ऑप्शन एंड जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जितने भी टेरेस लेवल पे है सबको सेलेक्ट करो। टेरेस लेवल पे जो है उतना हैवी लेंथ का हम लोग वॉल देते नहीं है, हाइट भी कम रहती है वॉल की, तो जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इवन दिस वन एंड दिस वन, सेम थिंग है दिस वन एंड दिस वन, सेलेक्ट करो इनको। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट गो फॉर असाइन, यू गो फॉर फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिप्लेस वॉल लोड एक्सिस्टिंग है, तो 4 करके अप्लाई करके इसको ओके कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इतना आपको लोड अप्लाई करने पड़ेंगे। हमने डिफाइन में जाके लोड पैटर्न्स भी बना दिए हैं, लोड कॉम्बिनेशन बना दिए हैं हम लोगों ने, तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं वापस। ओके, रन करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे, आप अपना डिफ्लेक्शन चेक करोगे, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है डेड लोड साइड बोर्ड में। ड्रॉ काउंटर्स, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, यूज इट पे अप्लाई करो एंड यू कैन सी मैक्सिमम -2.4 आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया हम लोग को, mm दिया गया रेंज। ठीक है, दैट्स हाउ आई नो दिस इज -2.4 mm। ठीक है, ऑलराइट, लिमिट होती है 20 से 25 mm की, तो 2 -2 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ 25 mm, तो अपना स्लैब जो है वो सेफ है यहाँ पे। सेम थिंग यू कैन डू फॉर योर दिस ऑल्सो, क्या बोलते हो, इफ यू वॉन्ट टू चेक योर मोमेंट्स, अप्लाई करो, आपको मोमेंट्स नजर आएंगे। अगर आपको वैल्यूज चेक करनी है तो अप्लाई करो, यू कैन सी ऑल द वैल्यूज ऑल्सो। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, हटा देता हूँ यहाँ से, अप्लाई करता हूँ। यू कैन जस्ट गो फॉर द यू नो बिगेस्ट लॉन्गेस्ट बीम जो होती है आपके पास, आप उस बीम पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे इसको राइट क्लिक करो, तो यू कैन सी ये आपके लिए शेयर भी देगा, मोमेंट भी देगा, डिफ्लेक्शन भी देगा। ठीक है, अगर यू वांट टू चेक फॉर 1.5 टाइम्स ऑफ इट, यू कैन चेक फॉर 1.5 टाइम्स ऑल्सो। तो इस तरीके से आप अपना मोमेंट चेक कर सकते हो। अगर आपको एक्चुअल लोड चेक करना है तो अप्लाई करो, जितने भी एक्चुअल लोड में चल जाएगा अप्लाई करके। यहाँ पे देखो जितना भी लोड आ रहा है आपको एक्चुअली कॉलम्स पे, जितना लोड आ रहा है आपको एक्चुअली, यू कैन चेक ऑल दैट। ठीक है, और आपको टॉर्शन चेक करना है तो अप्लाई करो, यू कैन सी टॉर्शन ऑल्सो। ठीक है, मोमेंट चेक करना है, M3 हम लोग चेक किए, मेजर मोमेंट चेक किए। अगर आपको माइनर चेक करना है तो आप आओ यहाँ पे, अप्लाई करो, यू कैन सी माइनर मोमेंट्स ऑल्सो। शेयर चेक करना है तो शेयर भी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो बेसिकली अप टू यू कि आपको जो चेक करना है आप यहाँ से आके अपना आराम से चेक कर सकते हो। अगेन जब भी आप बीम की बात करोगे तो बीम का जो भी डिफ्लेक्शन आएगा इट शुड बी लेस देन 20-25 mm, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एप्सलूट पर जाओ एंड वी चेक फॉर अनफैक्टेड केस। फैक्टेड केस पे चेक नहीं करते हम लोग, फैक्टेड इज 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स इज ओनली फॉर योर डिजाइनिंग डिटेलिंग काम के लिए आता है, ठीक है। राइट, फॉर डिफ्लेक्शन योर नॉर्मल डेट पर लाइब्रेट इज मोर सफिशियंट। ओके, सो क्लोज करता हूँ यहाँ से। ये सब करने के बाद यू कैन गो फॉर डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस। यहाँ पे देखो आईएस 456 है या नहीं है, क्लोज करो। गो फॉर डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स पे चेक करो कि सब कुछ सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पे डक्टाइल फ्रेमिंग है, हम लोग डक्टाइल नहीं चाहिए, हम लोग ऑर्डिनरी चाहिए, तो इसको चेंज कर दो यहाँ से। फिर डिजाइन पर जाओ, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पर जाओ, स्लैब डिजाइन कॉम्बोज पर जाओ, जो भी हम डिफाइन किया है उसको यहाँ पे ले लो। ओके करो, डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, देखो सारे ऑप्शन हम लोग वन बाय वन जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार डिजाइन पर चेक करना है आपको। ऑलराइट, ओके, जस्ट सेकेंड, इसको बंद करते थे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे आओ, स्टार डिजाइन पर चेक करो। ओके, तो हम लोग को ये मिला। तो डिजाइन पर जाओगे, कॉन्क्रीट डिजाइन पर जाओगे, यहाँ पे आओ एंड क्लिक ऑन वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास, तो यू कैन सी ऑल कॉन्क्रीट मेंबर्स हैव पास। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पूरा काम कर सकते हो ईटैप्स के अंदर। तो बेसिकली हम लोग क्या किया आज, हम लोग गए ग्रिड प्लान से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड अगर आपको लोड्स जानने हैं, लोड्स के बारे में जानना है, तो आई मेक अ सेपरेट क्लास ऑफ इट कि हाउ टू अप्लाई वॉल लोड्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बता दीजिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, अगर आप ये फाइल चाहिए, ई टाइप्स की फाइल चाहिए और ये वाली फाइल चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बता देना, विल प्रोवाइड दिस फाइल्स टू यू। लेकिन अगर एनफ डिमांड होनी चाहिए, ठीक है, एनफ कमेंट जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए चीज़। ऑलराइट, तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस, वी विल प्रोवाइड दिस फाइल्स टू यू फॉर योर रेफरेंस, कि आप इस पर काम कर सको आराम से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी क्लोज द क्लासेस, करंटली हमारा कोर्स है ईटैप सेफ एंड RCDC, जो भी मैंने आपको सिखाया अभी वो G+2 G+3 है। अगर आपको एडवांस नहीं सीखनी है तो यू कैन कम एंड परचेज दिस कोर्स। 50% ऑफ चल रहा है करंटली, दो दो कोर्स है वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर, ठीक है। 1000 रुपीज़ में आपको तीन कोर्सेज मिलेंगे, ईटैप्स नहीं, ईटैप्स के साथ सेफ भी मिलेगा और RCDC भी मिलेगा। हैप्पी हो रही ऑफर चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। कंटेंट में जाकर देखोगे तो करंटली देखो 30 वीडियोज़ हैं ईटैप्स के अंदर, 15 वीडियोज़ हैं सेफ के अंदर। सेफ के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रपेज़ोइडल फुटिंग, सारे टाइप के फुटिंग्स मिल जाएंगे आपको, पाइप फाउंडेशन तक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इनडेप्थ सा कोर्स है, ईटैप सेफ एंड RCDC तीनों कोर्स आपको मिल जाते हैं एक प्राइस पॉइंट के अंदर अंदर, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन गो एंड परचेज दिस कोर्स। हैप्पी होली ऑफर चल रहा है अभी के लिए, 50% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। Me. Mm-hmm.